मंडी जिला के सरका घाट के समाहल गांव में एक बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में गिरफ्तार 17 आरोपियों को रविवार को अदालत ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि रविवार को ही गिरफ्तार किए गए 4 अन्य आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले में पुलिस ने उन सभी 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके बारे में पीड़ित महिला और उसके परिवार ने पुलिस को शिकायत दी थी। एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने कहा कि वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। पुलिस थाना सरका घाट में अजय कुमार पुत्र बीदी सिंह निवासी कोट मनसदा की शिकायत पर आईपीसी की धारा 147, 149, 452, 435, 355, 427 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक जांच से पता चला है कि 6 नवंबर को बड़ा समाहल के ग्रामीणों ने शिकायतकर्ता की सास के घर में घुसकर उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। मामले में अभी तक कुल 21 आरोपी, जिसमें 14 पुरुष व 7 महिलाएं शामिल हैं, उनको हिरासत में लिया जा चुका है और रविवार को एसटीएम के पास पेश 17 आरोपियों को 3 दिन का रिमांड मिला है और बाकी 4 आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, तो जैसे ही वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो उस वीडियो में जो पीड़ित महिला थी उसको हमने कांटेक्ट किया और उसको, वो हमीरपुर में थी, उसके दामाद और उसके बेटी ने आके एक शिकायत पत्र पुलिस को दिया। उसके आधार पे हमने विभिन्न धाराओं में 147, 149, 452, 355, 427 और 435 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। उस महिला ने आरोप लगाया है कि मेरे साथ गांव के 21 लोगों को नामजद किया है कि इन्होंने मेरे साथ, जो भिन्न भिन्न तरह के, कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट और कालिख मली है और जूतों की माला पहनाई थी। इस मामले में जो उस पीड़ित महिला ने जो लोग बताए थे, हमने उनमें से 21 में से 18 लोगों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और 3 भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे। जो सर 18 पकड़े हैं वो कितने महिलाएं और कितने पुरुष हैं? उसमें से 12 पुरुष हैं और अभी तक 6 महिलाएं हैं। मंडी से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।